आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज रिव्यू था। 2 मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूं इसको लेकर सारे सीनियर नेता, जिसमें आदरणीय विवेक तन्खा जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित पीसीसी के, सीएलपी के हमारे नेतागण, सारे विधायक, पूरे मध्य प्रदेश के ऑनलाइन जो यहाँ आ गया वो यहाँ आ गया, बाकी को हमने जैसे जैसे ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमारी कमेटी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने जिम्मेवारियां दी है, उन सब की सामूहिक मीटिंग थी। उसमें हर चीज का निर्णय लिया गया, जो प्रभारी बनाए गए, जो इवेंट होंगे, कहाँ पे स्वागत होगा, कहाँ पे सभाएं होगी, कहाँ पे रोड शो होगा, उज्जैन में मंदिर जाएंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे महाकाल के दर्शन होंगे, तो कौन मतलब हर तरह की जो उनकी पूरी रूपरेखा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके संदर्भ में बहुत अच्छी और सफल मीटिंग हुई। मैं मानता हूं हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित नेताओं को धन्यवाद, और कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है, अपनी संभावनाएं दी है। तो मैं मानता हूं कि अब मीडिया वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि वो मसाला ढूंढे। मेरा आखिरी निवेदन है, पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आई जो बहुत गंभीर है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। एक तरफ देश में किसान आंदोलित है, किस लिए कि नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी मोदी जी ने, उसमें वो झूठ बोल गए, मुकर गए। उन्होंने गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बोली थी जब 14 के चुनाव हुए थे, फिर जब आंदोलन हुआ अभी थोड़े 3 साल पहले, तब भी बोला था जब उन्होंने 3 काले कानून लाए और काले कानून वापस लेने पर फिर उन्होंने बोला था। तो दोनों बार उनने जो झूठ बोला उसके लिए देश के आम किसान की भावना को कांग्रेस पार्टी ने समझा और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी अब कांग्रेस पार्टी देगी। राहुल गांधी जी जब आएंगे तो उसको लेकर किसानों से संवाद करेंगे, बातें करेंगे, और 2700 रुपये का जो गेहूं का दाम, 3100 रुपये का धान का दाम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देगी। ये एक महत्वपूर्ण बात, पूरी यात्रा का मूल सार है।